संसद भवन में, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, जिस तरह से शैलेंद्र कह रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार किसी एक गठबंधन को बहुमत मिला है और देश की सत्ता जनता ने उन्हें दी है, और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री संसद भवन पधारेंगे और एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे। कुछ न कुछ नई बातें, कुछ न कुछ नए दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री न कभी न रुकने की जो उनकी आदत है, और मैं ये सवाल करना चाहता था अपने संवाददाता से कि कब संसद की जो संसद का जो नया सत्र है, पहला सत्र कब बुलाया जाएगा। मुझे लगता है उसमें भी ज़्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार है, पहले ही प्रधानमंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं कि सभी मंत्रालयों को कहा गया है 100 दिनों का अपना एजेंडा बनाने के लिए, वो रूपरेखा तैयार है, बजट भी पेश किया जाना है। और ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से। स्वागत है भाई स्वागत है। स्वागत है भाई स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है, माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की वंदे। स्वागत है भाई स्वागत है। हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई स्वागत है। फिर तीसरी बार। आज इस एनडीए की बैठक में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत भाषण के साथ आज की इस बैठक को प्रारंभ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सेवा और संगठन के द्वारा जो विस्तार किया है, हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे
हमारे सभी एनडीए के घटक दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित हमारे सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी एनडीए के नवनिर्वाचित हमारे सांसदगण और हमारे सभी संसदीय दल के सांसदगण, ये एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का, अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एकतरफा बनती है। और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म,
देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था, 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और यह सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मैं अपने वरिष्ठ नेता भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है
उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्शन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई।
अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व तो अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का यह जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में
हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं, और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मैं एनडीए के हमारे साथी और जेडीएस के नेता श्री एचडी कुमार स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, सेवरल लीडर्स, सीनियर लीडर्स हु आर सिटिंग इन द डायस, newly elected all my senior colleagues and friends, I congratulate you, all of you, by electing in this election in a huge majority. Today already Rajnath Singh ji, Amit Shah ji, Nadda ji expressed their views, the contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA parliamentary board. Thank you very much. मैं NDA के हमारे सम्मान्य साथी तेलुगु देशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I'm thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades.
I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached fifth largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India third largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat, Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number one globally. As on today, Indians are all everywhere, if you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us has to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader, right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources. But recently, we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji.
This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great NT Ramarao garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism, that is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic win of the election. We have won historic elections. If you see, 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. This is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party, and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you. Thank you, Varun. मैं एनडीए के हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्मान्य नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे,
और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोग के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी, शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने, जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभव है, एक्स सीएम है, वहाँ हमारे चंद्रा बाबू जी है, नीतीश कुमार जी है और सभी मान्यवर और सभी इस सदन में उपस्थित फिर से सांसद बने हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और लोकसभा के चुनाव में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, जो सभाएं ली है, जो उनकी जादू है, वो जादू इस बार फिर लगातार तीसरी बार इस देश ने देखी है और इसलिए उनको मैं
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शिवसेना पार्टी की ओर से हृदय से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और सिर्फ इतना ही कहूँगा उनके लिए, मैं उन्हें चार पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और दस साल जो काम किया है उसके गवाह हम सब है, और इसलिए लोगों ने विकास को महत्व दिया है, और जो विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करते थे उनको उनके घर पे बिठा दिया है। और फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी हैट्रिक करेंगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे साथी और एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी से आग्रह करूंगा कि वे भी इसका अनुमोदन प्रस्ताव। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी उपस्थित नेतागण, नवनिर्वाचित एनडीए के सभी संसद सदस्य और मेरे साथी, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और जो नवनिर्वाचित संसद सदस्य बने हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव रखा है, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देते मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। जय हिंद। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आएं। मौजूद यहां पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए, मैं चिराग पासवान जो यहाँ पर प्रस्ताव
माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित भारत नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध नेता माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी और सभी एनडीए के साथीगण और खास करके जो नव निर्वाचित हमारे सांसदगण आए हैं, उन सबों को हम अपने दिल के गहराइयों से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। बहुत लंबी कोई बात नहीं कहनी है, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं और एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष 24 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। दशरथ पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दिल इच्छा के धनी, उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना दल पार्टी की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। करोड़ों करोड़ देशवासियों के हृदय में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, केंद्रीय कक्ष में मौजूद एनडीए के सहयोगी दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रीगण और हमारे एनडीए परिवार के देश के कोने कोने से जनता का विश्वास प्राप्त करके यहाँ पर नव निर्वाचित होकर आए सभी माननीय सांसदगणों का मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें, राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं जनसेना पार्टी के नेता श्री पवन कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, माय हार्टफेल्ट विशेस ऑन बिहाफ ऑफ जनसेना एंड आई एम फॉर्चुनेट and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. An honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakhi to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. You have inspired everyone. We all rally behind you. We all rally behind you. The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us by your actions, by your words, by your deeds, and the kind of development you had shown us in the progress. And, sir, I'm deeply honored, and for listening to us, for looking at Andhra Pradesh, under your guidance, under your support, we are able to sweep the polls. We got 91% victory there. We got completely in legislature, we had 91% success. It's all because of your guidance. It's all because of your leadership, sir. I'm grateful to you. We're all grateful to you. On behalf of Janasena Party, I support Sri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. To all the eminent senior parliamentarians and the new parliament members, I wish you very best. To honorable senior leaders and NDA partners, to you all, my heartfelt namaskars to you, sir. Thank you and Jai Hind, sir. मित्रों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है। जो प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने रखा, जिसे सभी दलों ने, घटक ने समर्थन अनुमोदन किया, वह सदन के सामने रखा जाता है। आप सब से निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ इस सर मैं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे बाहर आकर के माननीय मोदी जी का स्वागत करें। सब लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम सब लोगों के लिए हर्ष, गौरव और सौभाग्य का विषय है कि एनडीए के हमारे नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हम सब लोगों को भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए संबोधन प्रदान करें। हम सब लोग
करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नव निर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था, और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है, और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं, और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में
22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है। ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्व पंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। साथियों, प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय हमने बहुमत हासिल किया है। और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी
एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4th टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ है, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड, शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम में कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था, वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। और हम सब के पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा, मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में, जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस इस देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से, एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। साथियों, हम लोगों के सभी के कार्यकाल में, चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो, या नीतीश जी ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की, हम सब के अंदर केंद्र बिंदु में
गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। और देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं है, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी, हमने उसको पाट दिया है। हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का एक ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है, उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है,
सिर्फ फोटो ऑफ करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रास रूट लेवल तक सबने मिलकर के ये जो काम किया है और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। एक दूसरे का सहयोग किया है, हर किसी ने यही सोचा जहां कम वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ता है। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया कर्नाटक और तेलंगाना में, दोनों जगह। साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साफ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। साथियों, अरुणाचल में हमने लगातार, हमारी सरकार बनती रही है और भारी समर्थन से बनती है। सिक्किम में भी हमारे एनडीए की सरकार करीब करीब क्लीन स्वीप के साथ, अरुणाचल क्लीन स्वीप, आंध्र, मैं अब बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है।
अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिज्ञासा है उसका प्रतिबिंब है। और महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा, मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। और मैं इसके साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, या मैं 25 साल कह रहा हूं, आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पर की एक होगा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है, भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, पार्टी पार्टी के एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं
तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा, मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार 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 जाकर के परेशानियां पता की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है। साथियों, इस देश के लिए यह भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 2001 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषा बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेप ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में ही डुबो कर रखना, लेकिन उसके ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं
कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते हैं। हमारे संस्कार हैं। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे, पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते हैं। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी, ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट,
मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्रहित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है, और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है, हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें, जनता चाहते हैं कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े, और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोडमैप भी है। साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। उसके सामने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है, आए दिन घोटाले यही पहचान रही है, और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुलाए, उनको नकारा। और मैं कह सकता हूं साथियों, इंडी अलायंस वालों ने एक व्यक्ति का अपोज करने के 1 पॉइंट एजेंडा के कारण देश की जनता ने उनको ही ऑपोजिशन में बिठा दिया है। एनडीए विकसित भारत इस संकल्प को लेकर के चुनाव में गया था,
देश के लिए सकारात्मक सोच को लेकर के गया था। देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझ करके नए अवसरों को लेकर के देश को आगे बढ़ने की बात लेकर के गया था, जबकि हमारे सामने जो लोग थे वो भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, यही गुमराह करने वाले काम यही करते रहे थे। अब एनडीए और उनका काम देखें, इवन नामांकन में जाएंगे तो भी आपको देखेगा उनका चुनाव प्रचार, उनका नामांकन, हम लोगों का एक एक दृश्य देख लीजिए और उनका एक एक दृश्य देखिए, कितना बड़ा अंतर है। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में चुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, ये कैरेक्टर था। साथियों, ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। 10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हाँ अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी, कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। यानी ये भी हिम्मत है कि 4 करोड़ देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है, और राज्यों की भी उसमें इच्छा है, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं,
लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अब इस देश का एक बहुत बड़ा चालक वर्ग है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में ये ऐसे ऐसे नए फोर्सेस में देख रहा हूं जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं, और इसलिए हम उस पर भी उतना ही, और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बचे बने, उसके लिए, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नियम नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम चाहते हैं। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है, और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति बंधन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। इस पूरे चुनाव में हम सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने वाली पार्टी रहे हैं, यह हमारा कमिटमेंट है। हमारी महिला सांसदों को जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, आपने देखा होगा G20 समिट में दुनिया के सामने एक विषय लेकर के हम बड़े आग्रह से गए हैं, और वो है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, इन सारी बातों को तो हम परिचित हैं। हमने एक नया शिफ्ट किया है और हम G20 समिट से भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वीमेन लेड डेवलपमेंट। एक बार हमारा इस प्रकार का कमिटमेंट बनता है तो परिवर्तन बिल्कुल साफ नजर आता है। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है, और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। और ये खाली 5 और 3 का आंकड़ा नहीं है, उसके कारण जो अर्थव्यवस्था का कद बन जाता है वो सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सरलता बढ़ जाती है। देश के लिए जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी करने का सामर्थ्य बन जाता है, और इसलिए हम उस दिशा में बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्यों का सहयोग भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है, और भारत के संविधान ने हमें जिस प्रकार का दिशा निर्देश किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, लेकिन मैंने उसमें आग्रह रखा है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, राज्य और केंद्र के बीच में भी तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम अच्छा करने की स्पर्धा करें, और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा है, जब मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता हूं, आपने देखा G20 समिट हम एक जगह पे कर सकते थे, हम भी मालाएं पहन करके फोटो निकलवा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के अनेक शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगें हुई, और दुनिया भर के नीति निर्धारक जो कहे G20 देशों के और बाकी भी 5-7 देशों के, वो हिंदुस्तान के कोने कोने में गए, उनके देशों में जाकर के भारत की विविधता, भारत की विशालता, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए आश्चर्य है, हमने तो दिल्ली आकर के वापिस जाते थे पता ही नहीं था कि देश इतना बड़ा है, ये अपनी एक ताकत का परिचय हुआ है। हमने कोविड में देखा, राज्यों के साथ कोऑपरेशन के साथ हमने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और एक सूत्र में रहकर के लड़ाई, दल किसी का भी हो सरकार में, लेकिन हमने इस काम को किया, क्योंकि हमारा
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रति कमिटमेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा मॉडल है गवर्नेंस का जिसमें राज्य भी उतना ही सक्रियता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत हो रहा है जिसका अब तो केस स्टडी के रूप में दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी केस स्टडी करना शुरू की है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए एस्पिरेशनल ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो वीक एरियाज हैं जहां सुविधाएं अभी सामान्य एवरेज से भी नीचे हैं उसको हम जल्दी से जल्दी उस स्टेट की एवरेज तक लाना चाहते हैं। देश का रीजन कोई भी क्षेत्र हो सर्वांगीण विकास को लेकर हम चले हैं। साथियों गत 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा यानी सोचने में भी बदलाव लाए, जमीन पर तो लाए वरना हमारे देश में सोचा चलेगा यार बारे एक बार कर लो ना, उस सहारे में से बदलाव नहीं, अब तो अच्छा ही चाहिए, बड़ा ही चाहिए, जल्दी से जल्दी पहुंचाने वाला चाहिए। सामान्य मानवी के मन को हमने इस तरह से प्रेरित भी किया है और पुरुषार्थ करके हमने उस दिशा में काम किया है। 5 साल में हमें गतिशक्ति यानी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर जो काम किया है, जो काम 6-6, 8-8 महीने तक नहीं होता था वो आज 15-20 दिन में कर सकते हैं सर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम काम कर रहे हैं। और ये जब होता है तो उसका मूल फायदा देश के नौजवानों के लिए रोजगार के अति अवसर बन जाते हैं, उनके लिए जीवन में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। और वो हमें साथियों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है। साथियों मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, विश्वकर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है। साथियों हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, उसके प्रति हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, और इसलिए हम उन दिशा में, और मैं मानता हूं भारत के लिए टूरिज्म एक ऐसा एवेन्यू है जो गत शताब्दी में हमें कभी यानी आज से लेकर के पीछे के 100 साल में कहूं ऐसा अवसर नहीं मिला है जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है। दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है। अब हमारा काम है हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को विकसित करें, हमारी विरासत के प्रति हम हमारा पर्यटन का विकास करते हुए एक विन विन सिचुएशन का हम फायदा उठाएं और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर स्तर के लोग कमाते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी बड़ी होटल वाला भी कमाता है, हर कोई इसमें कमाता है और हमने टूरिज्म के हम बल देना चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र खुले हैं इसका फायदा उसको मिलता है, एयरवे हो, रेलवे हो, हमारे एक्सप्रेस वे हो, ये हमारा यातायात जितना बेहतर हो, और हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी का जो काम है ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्राउंड तैयार कर रहा है और जिसका फायदा मिलने वाला है। और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिज्म, इसको एक बल देने का काम है। साथियों अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश रही है, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, तो औद्योगिक क्रांति का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाए। अब एक नया युग शुरू हो रहा है, हरित युग, ग्रीन एरा। भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं इसका नेतृत्व करने की, और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, ग्रीन एनर्जी हो, या ग्रीन जॉब्स हो, या ग्रीन मोबिलिटी हो, इन सारे विषयों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरित युग का नेतृत्व दुनिया में भारत का सामर्थ्य सिद्ध कर दें।
ये हम चाहते हैं। साथियों, इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, 4 जून को नतीजे आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है, और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो, क्या कोई और शुभ दिन हो, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए, और मां जीवित हैं तो साथ लेकर जाइए, उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए, और मां नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पेड़ लगाइए, और वो अपनी मां का भी सम्मान होगा और धरती मां की सेवा होगी। हम इन दो माताओं की सेवा करें। साथियों, एनडीए अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता, वैश्विक परिवेश में भारत की भूमिका दिनों दिन बहुत बढ़ती चली जा रही है। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, पूरे विश्व में उसी एक पल से ही एक नया जिज्ञासा पैदा हुई, थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे, और फिर उस बदलाव बहुत बड़ा तेजी से आया, और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है, और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है, तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा, और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी, उसका परिणाम है कि सामान्य मानवीय के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ, और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। और साथियों, ये क्षमता के कारण भारत में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली है। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए, विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा, जो राज्य उन कंपनियां विदेश जाने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा, उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए, और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। साथियों, हमने G20 समिट में देखा है, दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। जो लोग इन चीजों को माइन्यूटली देखते होंगे उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था, उतार चढ़ाव आते रहते थे, बिखराव भी नजर आ रहा था, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है, और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है, और उसके इन दिनों भी जो परिणाम आए उसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिनंदन स्वीकार करने में गया, और शायद मैं जैसे 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है, यानी ये वैश्विक जो हमारा ताकत है उसका परिचय करवा रहा है, और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है,
हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण भर इसके मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है। ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है, और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान की जो भावना है, कर्तव्य की भावना है, अनेक बात ऐसे इस बात है, उन सब प्रति समर्पण उसका बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है, और हम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते ही राष्ट्र प्रथम की भावना हमें मजबूती देती है, और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए, और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है, तो हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवी का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। साथियों, विकास की सारी तैयारियां रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही, चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दें। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई, आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है, कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल PhD कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं। 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है,
मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता, उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एनडीए के साथी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी स्वागत करना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन की ओर भी इसके बाद जाएंगे। तो एनडीए के साथी तमिलनाडु देवनाथ, हाँ जाओ जाओ। एनडीए के साथी या वरिष्ठ नेता जो स्वागत के लिए आए हैं वो एक आगे धीरे धीरे जा सकते हैं। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, यह ऐतिहासिक बैठक है, और प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एक बार फिर से तीसरी बार लगातार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये ऐतिहासिक पल है जब सभी दलों ने सर्वसम्मति से, एनडीए से जुड़े सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए
हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा ऐतिहासिक पल है और किस तरह से देखते हैं इस एनडीए की बैठक को? तमाम जो आशंकाएं थी वो खारिज हुई हैं, तमाम जो संभावनाएं इंडी गठबंधन के लोग तलाश रहे थे उनको धता बताया है। आज न सिर्फ एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने बल्कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि एनडीए की महाविजय है और एनडीए का जो एक इतिहास रहा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और किस तरह से विकसित भारत के एक विजन को आगे बढ़ाना है सभी को साथ लेकर उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया चुनाव प्रचार के दौरान उस पर भी एक निशाना साधा और जब चुनावी नतीजे आए जिस तरह की बातें कही गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपनी बातें रखी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जब भाजपा संसदीय दल एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है उसके लिए एक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था, तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का एक दल राष्ट्रपति भवन जाएगा इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए एक बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए है कि 1960 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं था जब लगातार तीसरी बार कोई नेता प्रधानमंत्री बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अगुवाई में एनडीए ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने रखा कि पिछले तीन चुनावों के अगर नतीजे देख लें तो कांग्रेस को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई हैं जितनी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। तो ये चुनाव दरअसल एक और रिकॉर्ड बनाया है इस चुनाव ने कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी वो लगातार तीन चुनावों में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले एनडीए के जो तमाम प्रमुख सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण जनसेना पार्टी के वो मुखिया हैं, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को एनडीए का संसदीय दल का नेता बनाने जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और एक स्वर में सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को आगे ले जाने की बात कही। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल के एनडीए के विजन को भी सामने रखा और जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर 25 वर्षों के भारत के विजन की बात करते रहते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे दुनिया में जो साख बड़ी है उसको और आगे बढ़ाया जाना है। और निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया है। जी निश्चित तौर पर और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है जो इस वक्त हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक हुजूम सा उमड़ा है एनडीए जो घटक दल है उनके तमाम जो सांसद हैं जो नेता हैं वो उमड़े हैं प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए, उनके साथ इस पल को अपने तस्वीरों में कैद करने के लिए, कैमरों में कैद करने के लिए, और लगातार बधाइयां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री को। और आज का दिन निश्चित तौर पर शैलेंद्र जैसे आपने कहा कि बेहद विशेष है इस मायने से भी कि तमाम उम्मीदों को एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिसको बार बार कहा जा रहा था कि शायद ये इस बार कहीं चूक ना जाए एनडीए एक बार सरकार बनाने से, लेकिन फिर से जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाया है निश्चित तौर पर ये इस जो इतिहास रचा गया है ये उन्हीं पलों की गवाही देती है ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर पर। शैलेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति से कब मिलने के लिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया कैसे चलेगी? देखिए एनडीए के नेतागण प्रमुख नेतागण अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन जाएंगे दावा पेश करने के लिए। इस बात की औपचारिक जानकारी इस समारोह के खत्म होने के बाद दी गई है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन एनडीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा जहां औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि एक तारीख
सामने आ रही है 9 तारीख को शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर से सांसदों को ये कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज से देश नहीं चलता है और सांसद इस बात का ध्यान रखें कि कोई फोन करेगा उसे वेरीफाई करें। तो एक तरह से सांसदों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख दी। ये बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि अब एक जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसमें नेता चुने जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एनडीए का प्रतिनिधिमंडल उससे थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएगा और उसके बाद आमंत्रण होगा और हम शपथ ग्रहण समारोह भी देखेंगे संभवतः 9 तारीख को शाम को 6 बजे। नए संकल्प भी आज लिए गए प्रधानमंत्री ने, अपने नए संकल्पों को भी दोहराया और खास बात है ये कहा कि आने वाले 10 वर्षों में, यानी कि आगे वो फिर 2 टेन्योर की बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में गरीब कल्याण से लेकर के सुशासन और गुड गवर्नेंस की के लिए जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुँचे और उसके लिए काम करती रहेगी सरकार। निश्चित तौर पर तमाम जो योजनाओं पर मोदी सरकार 10 सालों में आगे बढ़ी है, मुद्रा योजना हो या फिर महिलाओं को एम्पावर बनाने से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया। यानी संकेत बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ ग्लोबल स्तर पर भारत बड़ा पावर बने उसको लेकर जो सफल विदेश नीति है उसको आगे बढ़ाने का काम होगा, तो दूसरी तरफ जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। जो 10 वर्षों में किया गया है उस रफ्तार को और आगे तेजी से ले जाया जाएगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एनडीए की जो एक पिछले दशकों का इतिहास रहा, तमाम पूर्व नेताओं को याद किया, शरद यादव हो, इसके साथ ही साथ एनडीए के जो पूर्व सहयोगी तमाम रहे उनके योगदान को भी याद किया, तो दिखाता है कि एनडीए किस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत एक तरह से कहें कि आगे का एक खाका सामने रखा है आज अपने संबोधन के जरिए। जी निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नए संकल्प भी लिए शैलेंद्र, उसके बारे में भी बताएं क्योंकि आने वाले जो 5 वर्ष हैं कम से कम अगली जो सरकार है और प्रधानमंत्री ने जो 10 वर्षों की बात कही उसका रोडमैप भी कहा का भी साफ संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 24/7 वो हर दिन हर समय हर पल देश के लोगों के लिए उपलब्ध है। निश्चित तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं बिना रुके थके काम करने के लिए, एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है और जिस ऊर्जा से वो काम करते हैं हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 200 से ज्यादा चुनावी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और लगातार उसके बाद वो समीक्षा करते रहे, सरकारी कामकाज भी निपटाते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक हम देखते हैं कि तमाम मामलों में वो बहुत ही कार्यशील होकर फैसले लेते हैं और लगातार देश कैसे आगे बढ़े, देश के वंचित तबकों को कैसे सहारा मिले उसके लिए अलग अलग योजनाओं पर काम करते रहते हैं और उसकी एक पूरी श्रृंखला है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसकी एक झलक दिखाई देती है और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन संकल्पों की बात जिसमें हम जानते हैं कि अगर थोड़ा पीछे जाएं तो भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करने का जो अभियान है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाओं में जो कसर रह गई, यानी अभी भी जो कुछ लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ मिले, चाहे आवास योजना हो या घरों तक नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना हो, उन पर काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ में हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी राजेश राज भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहे। राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो दूसरे सहयोगी दल थे उनमें से भी कुछ लोगों ने सीधे हमला बोला इंडी गठबंधन के ऊपर और साफ तौर पर कहा कि रिजल्ट्स आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे जीत एनडीए की नहीं इंडी गठबंधन की हुई हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले तीन बार के कांग्रेस के रिजल्ट्स को मिला दिया जाए तो इस बार भी वो बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच पाती, बीजेपी से कम रह जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किस तरह से जो एनडीए के दल हैं वो एकजुट हैं और सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो आक्रामक रणनीति थी वो भी नजर आई। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यही सवाल आपके लिए है। शैलेंद्र आप हमें सुन पा रहे हैं? तो
फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कृपाल जी, किस तरह से देखते हैं इस अवसर को, कितना ऐतिहासिक, कैसे आकलन करेंगे इन क्षणों का? इन क्षणों का आकलन अगर आप कहिए तो 4 तारीख के बाद से जो विपक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की थी दिल्ली में इन 3 दिनों में, निश्चित तौर पर वो एक मायूसी का माहौल था। और आज जिस तरह से मोदी जी ने जो भाषण दिया है, मैं कहूंगा कि बहुत अद्भुत और विलक्षण भाषण था। एक नेता, इसी को कहते हैं नेता, जिसको 14 में जिस ऊर्जा के साथ वो बात कर रहे थे, 19 में जिस ऊर्जा के साथ बात कर रहे थे, आज उससे भी ज्यादा ऊर्जा और विश्वास के साथ वो खड़े हैं और अगले 10 साल का की बात वो कर रहे हैं। वैसे तो 2047 की बात की, और मैं आज के इस अवसर पर चंद्रबाबू नायडू ने जो भाषण दिया, मैं उसकी भी भूर-भूर प्रशंसा करता हूं। और वो कहीं ना कहीं, चाहे नीतीश जी हो, जिन लोगों ने भी कहा, उन लोगों ने माना कि भारत 10 सालों में बहुत बदला है। और चंद्रबाबू नायडू भी विकास के पर्याय माने जाते हैं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से नई वहां आईटी को जितना बढ़ाया, सारी चीजें की जी। आज लगा जो विपक्ष के कुछ लोग जो कहीं विघ्न संतोषी होते हैं, उनको लगा होगा कहीं, आज जिस तरह से नेताओं ने मोदी के कार्यक्रमों नीतियों की भूर-भूर प्रशंसा की और लंबे समय तक साथ चलने का जिस तरह से किया, तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष फिर हताश हो गया होगा। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात जो कही जी। उन्होंने, और मैं खुद कहता हूं कि जो पार्टी 3 चुनाव के बावजूद 3 अंक में नहीं पहुंच पाई, वो पार्टी प्रधानमंत्री, उसका नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब इस बार देख रहा था कि शायद कहीं से कुछ हो जाए। और ठीक मोदी जी ने कहा कि 3 चुनाव में जितनी सीटें आपको मिली हैं, हमें इस बार जितनी सीट मिली है, आप तीनों को जोड़ लीजिए, तब भी उतनी नहीं होती हैं। तो खैर, ये बातें छोड़िए, मैं केवल आशावाद की बातें करता हूं। बहुत साथ था विकास की, जो रफ्तार मोदी ने पकड़ी थी, जिस रास्ते पर गए थे, उस रास्ते पर और तेज रफ्तार से इस देश को ले जाएंगे। और निश्चित रूप से पूरी दुनिया देख रही है मोदी जी की तरफ। जैसा मोदी जी ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र हो जिसका फोन मोदी जी के पास नहीं आया हो। और एक बात और बता दूं, चुनाव से पहले भी तमाम लोगों के, तमाम देशों के निमंत्रण आ चुके थे मोदी के पास भावी यात्राओं के लिए। तो आप सोचिए कि दुनिया को यह विश्वास था कि आएगा तो मोदी ही। जी जी, निश्चित तौर पर आज का जो भाषण रहा, उसमें जैसा कि आपने कहा कि ऐतिहासिक था, विलक्षण था। प्रधानमंत्री ने अपनी नेतृत्व क्षमता का जो परिचय दिया, अपने संकल्पों का जो परिचय दिया, नए संकल्प भी गढ़े गए आज राम कृपाल जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देशवासियों के लिए मैं 24/7 हर क्षण हर पल उपलब्ध हूं। मैं तो वही कह रहा हूं कि देखिए, आज का जो भाषण था उनका, कहीं से बल्कि 19 से ज्यादा ऊर्जावान वो लग रहे थे उनके भाषण में। और जो उनके भाषण में जो कॉन्फिडेंस झलकता था जी। और मैं कह रहा हूं कि उनके बोलने से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ने जो कुछ बोला, जिस तरह से उनका आज बॉडी लैंग्वेज थी जी। वो तमाम उन लोगों को जो अभी विघ्न संतोषी कहीं पड़े हुए हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिल्ली के भाग से छींका फूट जाएगा, आज उन लोगों को बड़ी निराशा हुई होगी। और मोदी जी ने इस देश में जो उन्होंने कहा कि आज भी पूरे देश में 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है जी। देखिए, हम लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन रिकलेक्ट नहीं कर पाते। आप सोचिए कि आज की तारीख में भी 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है जी। और यही एक ऐसा गठबंधन है जो चुनाव पूर्व गठबंधन है, जो पिछले कितने दिनों से एनडीए इंटैक्ट है। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आओ आज हम तुम इकट्ठा लड़ लें, हम तुम आपस में लड़ लें, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो कहेंगे हम एक साथ हैं। ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग सोच रहे थे
कि बीजेपी की कम सीटें आने के बावजूद कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। आज मोदी जी ने बहुत साफ कर दिया, उन्होंने भी कहा कि जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं मीडिया में जो चल रहा है कि फलाना जी का दबाव है, ढेकाना जी का दबाव है, पूरे अपने एलाइज के सामने मोदी जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह की चीजों पर आप लोग कोई ध्यान न दें। मतलब मैंने जैसा कहा 19 से ज्यादा ऊर्जावान अगर नरेंद्र मोदी आज मुझे दिखाई पड़े तो एक अद्भुत कॉन्फिडेंस है, ये कार्यकाल पूरा ही नहीं करेंगे, एनडीए 2029 में भी सफलता, मुझे लगता है कि वो सफलता की बात आज कह रहे हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में एनडीए का परला भारी है और भविष्य में भी परला भारी रहेगा। ये निहितार्थ है एनडीए के नेताओं का। जी, एक चीज़ आपने देखा कि जब विपक्षी नेताओं की विपक्षी गठबंधन की बात कही जा रही थी, दो तीन बातें बड़े स्पष्ट रूप से कही गई। एक तो ये कहा गया कि भाई डेमोक्रेसी को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया भर में प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करते थे, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते थे, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने सिर्फ इस देश के चुनावों में नहीं पूरे दुनिया भर में उसका मान खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की। ईवीएम को लेकर के सीधे सीधे सवाल जो उठाए जा रहे थे उससे जुड़े हुई तमाम बातें भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर उनका भी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। आज देखिए, अब यही बात है ना कि कम से कम जो लोग राजनीति में जनता की अगुवाई कर रहे हैं उन्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कितनी गलत बात उन्होंने कही थी, और अगर वो बात सही होती तो 4 तारीख के बाद अचानक चुप क्यों हो गए? शर्म आ रही है। मैं इस बात को कहता हूं कि पूरे देश का अपमान किया, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहे, किसी तरह की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाया, जुडिशियरी पर उंगली उठाया, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या नहीं कहा, ईवीएम तक पे कहा, मशीन पर तो जो भी वो कह रहे थे, लेकिन सारे जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर उन्होंने उंगली उठाई। और वो कुछ नेता तो बाहर जाकर के ये भी कहा है थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। जो लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका था आज आकर के उस लोकतंत्र को बचा क्यों रहे थे? अगर लोकतंत्र मर गया था, उसकी हत्या हो गई थी, तो किस लोकतंत्र को आप जिंदा कर रहे थे आकर के? आज उसी लोकतंत्र के तहत जब रिजल्ट आया तो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि देखो वर्डिक्ट हमारे। जी जी, निश्चित तौर पर। और आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे अभी संसद भवन के।